आइए आपके बीच में भजन, लेकिन बात किस मौके की होगी गौर से सुनना कि एक समय का जिक्र है जिस टाइम उन पांडवों को 13 साल का दसोटा मिला जिसमें 12 साल तो वनवास और 1 साल अज्ञातवास। जब अज्ञातवास का समय आया तो सारे पांडव, साथ में द्रौपदी थी, राजा विराट के यहां नौकर लग जाते हैं, अपना अपना काम पकड़ लिया। कोई तो घोड़ा नाकण वाला बन गया, कोई शिक्षा देने वाला बन गया, कोई रसोईया बन गया। लगो एक दिन राजा विराट ने बेरा पाट गया, आज ये तब पांडव हैं, कोई नौकर नाकर को न्या। राजा के मन में गलानी होगी, भाई इतने बड़े महापुरुष, इतने बड़े राजा के मालिक हुए पांडव और उन तत्न अपनी सेवा करवाई, मन में गलानी होगी पश्चाताप करने के लिए युधिष्ठिर को बुला लिया। युधिष्ठिर जब जाके धोरण बोलिया ना, हाँ महाराज, बोले हो, उल्टे हाथ जोड़ दिए दक्ष महाराज विराट ना उसका श्यामी। बोला ये हाथ तो मन न था श्यामी जोड़ने चाहिए। बोला महाराज हम तो आपके नौकर है। बोला ना नौकर को न्या, आज मन नु बेरा पट्टा पांडव हो। युधिष्ठिर ने सोचा पुल पोल खुल गई, वही के रास्ता वो कदे अड़े तो काट दे था, मने थोड़ा टाइम और रह रहा है। लोगो राजा विराट ने एक शर्त रखी कि एक काम कर लो ना तो मैं कोरवान जाके बता भी दूंगा, अड़े लुक रहे हैं। बोला महाराज के करा? बोला मेरे एक छोरी है, छोरी जिसका नाम है उत्तरा, उसकी शादी आपके लड़के अभिमन्यु के साथ करवा दो। मैं इस गलती का पश्चाताप करना चाहता हूं, आपकी सेवा करना चाहता हूं हीना बन के। लोगो जब युधिष्ठिर ने या युधिष्ठिर का या बात कही ना, युधिष्ठिर नाट गया। फिर विराट ने एक चेतावनी दी, बोले के तो या कबूल कर ले ना तो सारा कुणबा तमदा करेगा, मरेगा तेरा शैमी। युधिष्ठिर ने मजबूरी होगी हाथ जोड़ लिए, अरे यह बात मान के द्रौपदी का धोरे गया। द्रौपदी के ज्ञान करा नुनु बन गई। बोले महाराज शर्म आनी चाहिए, थर छत्रपण की लिहाज रही ना, किसे बात का डर को न्या, उस बहु न कड़े बैठाओगे थरा आप रहन नगर को न्या। इसे राखनी होंगे तो मन नहीं ना रख लो, आड़ा जंगल में धक्के खान दी हांडू, ये मेरे बाल खुल रहे। लोगो ताना मार दिया, लेकिन युधिष्ठिर मजबूर था ना, तो कुणबा मरा वो भी पाप लगा। भाई मैं तई वोट आया, अरे वो ब्याह तो करना पड़ेगा। लोगो एक अभिमन्यु का ब्याह ऐसा था जो गुपचुप लुकमा करया गया ना, तो ब्याह में के थोड़े रोले होया करे, हलवाई कढ़ाई नाई पाई तेरा के सांगो है ब्याह में, डीजे रह जाए नारा, 12 बजे डीजे बाजे पाछ लठ बाजन लायक जा। सच्चाई है या सुनना, युधिष्ठिर ने कहा एक काम कर ले, सारे काम ठीक हो आओ चाहे ना आओ, एक बाती जरूरी है। बाती ने बुला के देते हैं, फिर द्रौपदी ने बोली मेरे तो एक बाती है और वो तो मेरा बहन मानना है और उसका नाम है कृष्ण भगवान। जब इतना नाम सुनया मतलब फिर बात क्या की है, 4 दिन रह रहे वो वनवास पूरा हो जाएगा, एक काम कर तेरे भाई ने बुला और छोरे का ब्याह करांगे। लोगो ध्यान से सुनना, बात का नोता हमारी माँ बहन भी जाकर बात ने उतने, लेकिन बात का नोतम ब्रह्म ज्ञान देखना। वो द्रौपदी मन में विचार करती है कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान, और नींद आ गई, नींद में सपना आ गया और सपने में जनु कृष्ण धोर पहुंच गई और बात का न्योता देन लगी, के कहने लगी क्या कहा। ओ अपने दिल का दर्द संभाल देखा, खोवे पे खुले बाल नु बोली रे, यो आरते का थाल भाती रे, पर तेरे नंदलाल
समान देखा ओए प्रफुल्ले बालूरे यो आरके का थाल बाकी पर तेरे नंदलाल जनका नंद समान देखा ओए प्रफुल्ले बालूरे ये आरके का थाल बाकी पर तेरे नंदलाल लोग नू कह बोले भाई रगनियम आनंद कोन्या रगनियम सब की में है लेनिया होना चाहिए उसके लिए ध्यान ठिकाना जमाना पड़े है रगनियम सत्संग भरिया पड़िया है लेकिन ध्यान लगाना पड़े जब थे हुआ है वह फोली बात कोन्या ये हमारे प्रधान जी उम्मीद टेलर साहब राजा टेलर सौ रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद पहली कली में रे भाई तावड़ा ये चार दिन रह रहे हैं कदे वो सांग बिगड़ गया के कहन लागे अपने भाई के संत ने क्या कहा अरे ये दुनिया एक रथ है साथी घोड़े काम रपये मैं डगमग हो के गिर ना जाऊं ले पकड़ लगाम कन्हैये हो डगमग हो के गिर ना जाऊं ले पकड़ लगाम कन्हैये वही है रपई है दया धर्म के काल रथ ने सही लिख पे डाल नु बोली रे जो आरती का थाल भाती भर तेरे नंदलाल खातर का समान देखा ओए बखुले बाल आरती का थाल भाती भर तेरे नंदलाल दिल खातर का समान देखा ओए बखुले बाल बोली रे आरती का थाल भाती भर तेरे गांव भागी से बहुत अच्छे रागनी प्रेमी पुरानी बातों को सुनने वाले जग्गा जी प्रधान जी सौ रुपए समान समान बार बार धन्यवाद धन्यवाद हमारे बड़े आदरणीय उमेद सिंह प्रजापति जी सौ रुपए समान समान करते हैं बार बार धन्यवाद दूसरी कली मेरे भाई यो काम और करिए हमारे बीच में हमारे हरियाणा प्रदेश ही नहीं देश विदेशों तक हरियाणवी संस्कृति को फैलाने वाले बहुत अच्छा गाने वाले मेरे बड़े भाई सुमित सातरोड़ जी हमारे बीच में पहुंचे एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई साहब का मेरे आदरणीय भाई विजय इना गारमेंट्स सौ रुपए समान समान बार बार धन्यवाद मेरे आदरणीय श्रीमान रामेश्वर प्रजापति जी 51 रुपए समान समान बार बार धन्यवाद भाई का बार बार धन्यवाद दूसरी कली में भाई बिजली आड़े हैं बिजली आड़े का भी करड़ा काम हो है बार बार धन्यवाद क्या कहा दूसरी तेरे से चाहती जो कुछ समझो उचित थाल में भरतो ने मेरे भाती जो कुछ समझो उचित थाल में भरतो ने मेरे भाती साथी बीते से 13 साल हो गया एक यो नया सवाल ने बोली रे आरके का थाल बाकी पर तेरे नंदलाल का दर्द समान ओए पर खुले बाल बोली रे आरके का थाल बाकी पर तेरे नंदलाल ओ आ ओ हमें से पिछड़े हुए ये एक
बता दिया द्रौपदी ने कि रे भाई ये जो शरीर है ना यो के है आदमी नु सोचा मैं हूं इसका मालिक नु सोचेगा सदा ही रहेगा यो तो माटी का डला है माटी के डले पर बूंद पड़ जाओ हाँ काम बन जा है पिंगल जा है क्या कहा अरे ये तन है माटी की गुड़िया जीवन जीना तार नाशवान को अमर समझ यो तोड़ रहा संसार ओ नाशवान को अमर समझ यो तोड़ रहा पार वो उतरेगा ब्रज पाल जिस पे तेरी निंग दयाल ने बोलिए विशेषकर हमारी माताएं बहने भगवान प्रजापति के नाम से एक जोरदार जयकार लगाएं क्योंकि जिस मकसद से हम कार्यक्रम कर रहे हैं उनकी याद हमारे दिल में ताजा रहनी जरूरी है। बोल महाराजा दक्ष प्रजापति की आदि तनु कर रहे हैं अड़े ताई हाथ रखे जनुराम रहीम आशीर्वाद दे है सीधे ढाले अगर भगवान का श्याम ये दोनों उठाने चाहिए दुश्मन का आगे एक तीसरी आखिरी कली में तू ले रे भाई तू आवेगा बात भरने एक छोटा सा काम और कर दे मेरा पांडा छूट जाएगा। कृष्ण भगवान नु कहने लगे आए बेबे कौन सा करना है मिली वो पापी है दुर्योधन आया हुआ उसका और काम बना दिए तने दोबारा नहीं आना पड़ेगा एक खर्चा में दोनों ने पड़ जाएंगे। आखिरी में क्या कहा क्या कहा कर्ण सिखाया सांग दुर्योधन का खून बहा के मेरी सजा दे मांग दुर्योधन का खून बहा के मेरी सजा दे मांग लोग न्यू कहे भले जब कुंती का श्यामी गया जब गांधारी का श्यामी गया था ना पत्ते बांध रहा था और कृष्ण भगवान ने छल करके वो पत्ते खुलवा दिए और वह जगह बता दिया अरे तुम रगायो पापी उससे पहले तो द्रौपदी ने बता दी थी लोगों क्यों कर्म रगाओ भाई न्यू मारिए जांग पे जांग पे जांग पे कदा शीश पे हो काल पटके गण एरण की ढाल न्यू बोली रे आरती कथा बाती पर तेरे नंदला नंदला कर समान समान खा खोए पखले बाल बोली रे